हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द टेंजेंट्स टू एक्सकेयर प्लस वाइस के इक्वल टू ए स्केयर हमारे पास एक सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या दिया एक्स स्केर प्लस वाइसर इक्वल टू ए स्केयर और उसके जो टेंजेंट्स हैं हैविंग इनक्लीनेशन अल्फा एंड बीटा उसकी इनक्लीनेशन क्या है अल्फा एंड बीटा और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरसेक्ट एट पी इफ कॉट ए कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा हमारे पास क्या है जीरो है देन द लोकस ऑफ पी इज हमें क्या करना है लोकस ऑफ पी पता करना है क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें हम एक पॉइंट जो पी है एच और के पी पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है एच एंड okay? के, के है लेट द कोऑर्डिनेट्स उसके हमने लेट लेट कर लिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑफ पॉइंट पी पॉइंट पी एच एंड के ओके पॉइंट पी के कॉर्डिनेट्स हमारे पास क्या है एच एंड के हैं देन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट जो बनेगी फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल वो क्या बनेगी हमारे पास उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम पी टू सर्कल सर्कल हमारे पास सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे क्या दी हुई है एक्स स्क्र वाई स्केल टू ए स्क्यर सर्कल की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर एक्स स्क्यर प्लस वाई स्केयर दैट इज इक्वल टू ए स्केयर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी हमारे पास y इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस ए रूट वन प्लस एम स्केयर आ गया अब तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना सोल्यूशन में हम देखेंगे कि जो पॉइंट पी क्या कर रहा है जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है हमारे पास किस पे टेंजेंट पे है ना सिंस पॉइंट पी लाई ऑन दी टेंजेंट सिंस पॉइंट पी पॉइंट पी पी के से हमारे पास एच एंड के लाइज ऑन लाइज ऑन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्र इस पर लाई कर रहा है देन हमारे पास क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा एच एंड के तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एम एच प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्यर ये बन जाएगी और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं के माइनस एम एच के माइनस एम एच होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्यर इसके इक्वल आ जाएगा अब इससे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एम तो वो हमारे पास बनेगा एम स्क्यर इन के स्क्यर माइनस ए स्क्यर माइनस टू एम के एच प्लस एच स्केयर माइनस एच स्क्र माइनस ए स्क्र डेट इज इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन द फॉर्म ऑफ एम एम की फॉर्म में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है अब इसके दो रूट सेलेक्ट कर लेते हैं लेट टू रूट्स ऑफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है एम वन एंड एन टू लेट कर लिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हमने क्या कर लिए दो रूट सेलेक्ट कर लिए एम वन एंड एम टू ये दो रूट्स हमने क्या कर लिए लेट कर लिए देन जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगा सम ऑफ रूट्स क्या होगा एम वन प्लस एम टू डेट इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस बी बाई जो कि हमारे पास बन जाएगा टू एच के अपॉन के स्केयर माइनस के स्केयर माइनस ए स्केयर ये बन जाएगा बट जो टेन अल्फा है हमारे पास टेन अल्फा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है एम वन टेन अल्फा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है एम वन के इक्वल है एंड जो हमारे पास टेन बीटा है डेट इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू एम टू ये चीज़ है हमारे पास और गिवन क्या था कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी कॉट अल्फा गिवन यहाँ पे देख रहे हैं हम कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा डैट इज इक्वल टू ज़ीरो कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा डैट इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर टेन अल्फ़ा की वैल्यू एम वन है टेन तो बीटा की वैल्यू एम टू है तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी वन बाय एम वन प्लस और टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी वन बाय एम टू डैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो ओके okay? यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम वन प्लस एम टू डैट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जीरो विच मीन्स एम वन प्लस एम टू की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है सो so, सो so हमारे पास क्या आ जाएगा टू एच के ये आ जाएगा टू एच के अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा के स्कियर माइनस ए स्केयर डैट इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से हमारे पास क्या होगा एच के डैट इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एच के की वैल्यू आ जाएगी जीरो देन इससे हम लोकस लिख सकते हैं सो so, हम लिखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट पी लोकस ऑफ पॉइंट पी पॉइंट पी और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एच एंड के तो उसके लोकस क्या है हमारे पास डेट इज एक्स वाई इक्वल टू जीरो डैट इज आवर फाइनल आंसर सो लेट सी हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है एक्स वाई डेट इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट दैट इज एक्स वाई इक्वल टू जीरो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बेस्ट ऑफ लक